जब 12th में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा, सारी कंपनी बोलोगे हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, MBBS का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AIIE सारे एग्जाम दिए मैंने, AIIE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स, वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था तो उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा, नशे भी नहीं हो रहे, घटा। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़िया था 5 साल का, इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैंकिंग लेता था, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैंकिंग ले रहे थे, रैंकिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल आया, अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करता है, थोड़ी देर रुक जा, कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चलो। रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने, पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गए। उन्हें क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है? फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम, वाटर कूलर गाँव पर। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले दूसरे से, क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा नीचे से। हमने के उसने देखा, हमने से देखा, बहुत शराब पी रखी है उसने, धीरे धीरे आंख खुल गई उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, हम दोनों यहां से चले गए।
थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या, कैसे नाम कैसे करें हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, तब ऊंचा था वो, बहुत भारी, अब्दुल के तो प्राणी निकल के उठाने। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया, आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था वो, मुझसे भी उठा। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है? हम वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसे आया? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी देर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो, वैसा है साइड में दिख रही है रेलिंग, हमने नीचे देखा, हमने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया, अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब्दुल से कहा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं, उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो थ्री पिन प्लग है उसकी रेलिंग में लटका हुआ है। भाई अब्दुल निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मैसेज चाकू लेके आता हूँ। मैं कर लिया, मैं इसमें से इतना बड़ा चाकू लेके, मैं कह सब छोड़ पहले मैस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या हो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं। उससे रखा उसका प्लग काट रहे हम दोनों, वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने एक साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा, सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए, उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से देख के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते थे, 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो वो एकदम तैयार हो जाता था, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान, रात को तैयार क्या, तैयार होकर सोता क्या तू, बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल गया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, उसे बोलता हुआ जा रहा, कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा, क्या कर रहा है ये, ठीक नहीं लग रहा मुझे लड़का। लड़के कुछ भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा ये। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया सर। परेशान होगा सर आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक में तो बता दिया कि अंकल जॉन ने पहला सर वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहती थी ना लड़के, वहां वकील बने नहीं है अभी, फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड
आधा माल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहे हो वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3-pin plug की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूं भाई। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे चल फटाफट, वहां पहुंचते हैं, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया। नीचे उतरे वहां पहुंचे तो इतना इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, करा हाँ मेरी हंसी छूट गई। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप हो गया। वार्डन ऊपर पहुंचा साइट पर, साइट पर जाऊंगा तो उसने वहां जाके देखा सब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर इधर कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जाके उसने कमेटी बनाई अपनी, वो करी पूरी रिसर्च करी, पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में, मैंने अब्दुल से बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे, यहां से यहां गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हम, वार्डन बोला कौन से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर। मैंने कहा नहीं सर। कहता पक्की बात? मैं पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने कहा आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक था फका, पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक बकचोदी करते हो मुझसे? कहता तुम ही ने फेंका, मुझे पता है। मैं कहता सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज? नहीं क्या ऑप्शन है? हमने पैरों पैर रख लिया, मेरे को ऑप्शन बताओ क्या। कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है, नाम क्या है, यहीं रहेंगे? मैंने अब्दुल से कहा फाइन। कहता फाइन। हमने कहा फाइन। वार्डन ने लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के दो पेपर, उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपये का। मैंने वो देखा, मैं कहा ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? कहा हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगता कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपये का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपये मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे।
मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ से मैं। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ? मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे करा भाई, होंगे 400-500 रुपए। मैं क्या तू FD करा ले जाके भाग ले, 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई मैं, जो करना करो निकलो यहाँ से। तुमने कहा ठीक। हम गए हॉस्टल में जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे। उसकी भी चाय पी के, क्योंकि चाय पे तो डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। क्या लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। जाके गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा है यार मैं चूते हूँ। वो तो है, हुआ क्या है? कहता है यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। हमारा नाम तो नहीं हो पर आपका कभी मिटेगा नहीं।